विपक्ष की तरफ से जहां आज बाढ़ का जो मुद्दा है उसको लेकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है। हमारे साथ लक्ष्मण नापा जी हैं, विधायक हैं भाजपा से। सर, आपके क्षेत्र के अंदर मतियाबाद रतिया क्षेत्र के अंदर भी अगर हम बात करें, काफी नुकसान हुआ है, तो किस तरीके से आप आज इस मसले को देख रहे हैं, सत्ता के तौर पर या फिर अपने क्षेत्र के तौर पर? पीछे जो बाढ़ आई हमारे हरियाणा प्रदेश में, तो काफी मेरे रतिया हल्का के कम से कम 70 गांव उसमें प्रभावित हुए हैं, और जब भी हमें मौका मिलेगा जीरो आवर में या जैसे, तो हम अपने हल्के की अपने बात रखेंगे कि जो पीछे हमारी जो सरकार है बहुत अच्छा काम किया है, जो बाढ़ पीड़ित है उनको राहत दी है, और जैसे क्षतिपूर्ति पोर्टल की बात है तो सभी ने जो भी नुकसान हुआ है, चाहे फसलों का है, कोई मकान है, कोई पशुओं का है, या कोई ट्यूबवेल का नुकसान है, तो उसका भी उन्होंने कहा है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे आज लास्ट डेट है उसकी। और कल भी हमने माननीय सीएम साहब से ये गुजारिश की थी कि इन लोगों को हम कैसे राह दे सकते हैं, तो आज पोर्टल की लास्ट तारीख है, उसके बाद सरकार जो भी है डीसी के माध्यम से भी उसका सर्वे करवा कर कि कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि जो प्रबंधन था वो समय से नहीं किया गया, जो रिवर बेड थे उन्हें तैयार नहीं किया गया सरकार की तरफ से, ये तमाम आरोप भी झेलने पड़ेंगे सत्ता पक्ष को। कैसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो भी हमारे जैसे रतिया में हमारे माननीय एसडीएम साहब जगदीश चंद्र जी के, और मैं खुद भी सभी गांवों में गया हूं, और बड़ा हमने अच्छा उन्होंने एक प्लानिंग करके किसी भी गांव में पानी नहीं घुसने दिया, और लेकिन जो फसलें इसमें जो प्रभावित हुई है, लेकिन कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ जी। ऐसे क्षेत्र रिहायशी क्षेत्र के अंदर पानी नहीं गया? हाँ, एक दो गांव में था, जैसे बामणवाड़ा, एक खान मोहम्मद और एक गांव लांबा का एक पानी थी, उनमें पानी घुसा है, लेकिन और सारा एरिया प्रशासन ने हमारा बचाया। आप प्रबंधन की कमी मानते हैं या ये मानते हैं कि बारिश ही इतनी ज्यादा हुई थी कि कोई प्रबंधन काम नहीं आता? नहीं, प्रबंधन बहुत अच्छा रहा प्रशासन द्वारा, हम भी वहाँ सभी जनता के बीच रहे हैं, लेकिन बाढ़ इतनी पानी इतना आ गया कि उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी बाढ़ आ जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुना आपने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक, उनकी राय इस मसले को लेकर के अलग है, लेकिन परेशानी एक ही है कि रिहायशी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड हो वहां पर पानी आया है, उसकी वजह से दिक्कतें रही हैं। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि प्रबंधन भी बेहतर थे और बाद में क्षतिपूर्ति के माध्यम से भी सरकार जो देने की व्यवस्था कर रही है नुकसान की भरपाई, वह भी जो है सुचारू तौर पर चल रहा है। वहीं विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को आज लेता है, ये सदन में देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूरज के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।